HDFC बैंक के चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखे हम तो ये यहाँ पे आपको ये 1700 के आसपास गया था। उसके बाद इसने यहाँ पे एक बॉटम बनाया, फिर उसके बाद दोबारा बढ़ने लगा और फिर 1700 के पास गया, फिर यहाँ से गिरा, एक बॉटम बनाया, फिर यहाँ से बढ़ के फिर 1700 के पास गया था, फिर गिर गिर के फिर से बॉटम बनाया, 1400 के नीचे भी पहुंच गया था। अब ये फिर से यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ है। तो जो पहला टारगेट है इसका, वो तो 1700 नज़र आ रहा है साफ साफ। आने वाले आपको ये 2-3 हफ्तों के अंदर ही आपको ये 1700 के आसपास मिल जाएगा। ब्रोकरेज फर्म ने भी इसकी अपडेट्स दे दिए कि 40% अपसाइड हो सकता है HDFC बैंक में।